अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं दिलावर अंजुम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिलावर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी है। स्क्रीन पे नाम तो नज़र आ गया होगा, मदर टू सन। ये पोइम लिखी गई है 1922 में और इसको लिखने वाले जो पोइट हैं उनका नाम है लैंगस्टन ह्यूज, जो कि 1901 में उनका डेट ऑफ बर्थ है एंड डेथ ईयर क्या है 1967। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा इस पोएम का और इनके पोएट का। वो दे बेसिकली 20th सेंचुरी पोएट है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, प्लस ये कि ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट। और उसके बाद इनकी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके मद्देनज़र ये पोएम भी लिखी गई। वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ही रेज द वॉइस अगेंस्ट द कलर डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है कि आप इमेजिन करें जिस वक्त ये पोएम लिख रहे थे उस वक्त देयर वॉज अ लॉट ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। सो द वर्ड ब्लैक इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस रीजन आई एम यूजिंग द वर्ड अफ्रीको अमेरिकन, कि वो बहुत बड़ी यानी कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो अफ्रीको अमेरिकन थे, आप इमेजिन करें उस वक्त जो बच्चे थे जब वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उनको वाइट की तरफ से कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था, कितने ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते थे। तो ये पोएम उनको मोटिवेट करने के लिए लिखी गई ताकि उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा हो सके कि इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पोएम का जो टाइटल है दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये मदर टू सन है, ये फादर टू सन नहीं है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के ज़्यादा बहुत करीब होता है। तो पोएट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो एडवाइस है, ये जो नसीहत है, ये माँ के प्रस्पेक्टिव से बच्चे को दी है। आई होप कि आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि ये कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है और तक के जो अफ्रीको अमेरिकन हैं उनके राइट्स के ऊपर है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डिटर्मिनेशन देने के लिए, ये सारा इसका बैकग्राउंड मसे मंजर है, प्रस्पेक्टिव है। अब हम इसको देखते हैं, इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको रीड करते हैं। देखिए, अब आपको स्क्रीन पर तो नज़र आ रही है, इसका टाइटल की पहली लाइन देख सकते हैं। इस पोएम को बेसिकली ये एक ही स्टेंजा है लेकिन मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। ये आप समझ लीजिएगा, पहले पार्ट में क्या है कि माँ अपने बच्चे को बता रही है कि लाइफ एक्चुअली है क्या। दूसरे में पार्ट ये है कि उस माँ ने खुद कैसे इस लाइफ में खुद कैसे उस लाइफ को सर्वाइव किया या उसमें उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। थर्ड वो एडवाइस, वो सजेशन जो अपने बच्चे को देती है। तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है आपको एक स्लाइड पर नजर आ रहा है, माँ अपने बच्चे से बोलती है विल सन आई टेल यू, आई इज द शॉर्ट फॉर्म आई विल टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। अब माँ अपने बच्चे को क्या बताने वाली है लाइफ के बारे में। लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर्स, एंड मीन्स has not been no crystal stairs. अब life crystal stairs क्या मतलब, ये basically life को metaphorically represent किया जा रहा है crystals की सूरत में, stairs की सूरत में, stair crystals की सूरत में, कि जैसे आप life में आगे move करते हो similarly आप stairs को चढ़ते जाते हो, अपनी जिंदगी में कामयाब होते जाते हो। तो crystal stairs means कि attractive stairs, कि जिसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। लेकिन माँ अपने बच्चे से कह रही है कि जो मेरी लाइफ थी या हमारे लिए जो लाइफ है इज नॉट अ क्रिस्टल स्टेयर्स, कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो फिर वो किस तरह की सीढ़ी है वो एक्सप्लेन करती है अगली लाइन में। इट्स मीन्स इट हैज हैड टैक्स इन इट। टैक्स का मतलब क्या होता है, पिंस, नीडल्स, सुइयां पड़ी हुई हैं उन सीढ़ियों के ऊपर जिसपे उसने सफर करना है। एंड स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स बेसिकली किसको कहा जाता है, नोकीली चीज़ों को। वो नोकीले पत्थर भी हो सकते हैं, नोकीले जो है वो कांच के टुकड़े हो सकते हैं, आयरन के पीसेस हो सकते हैं, ऐसी सीढ़ियाँ। आप इमेजिन करें इस चीज़ को कि कितना टफ उनका जर्नी है, कितना टफ उनका सफ़र है। एंड बोर्ड स्टोन, बोर्ड्स कहते हैं उस प्लेस को जो स्टेपिंग स्टोन होता है, जहाँ पे पाँव रख के आप सीढ़ियों पे ऊपर मूव करते हैं, वो टूटे हुए। ठीक है, इस तरह की लाइफ को ये प्रेजेंट कर रही है। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट्स ऑन द फ्लोर, और ऐसी सीढ़ियाँ जहाँ पे कोई कारपेट्स नहीं। कारपेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिकली एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल को, प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सीढ़ियों पे कारपेट होती है तो आपका पाँव स्लिप नहीं होता, मीन्स कि आपको एक कुशनिंग मिल जाती है। लेकिन हमारे लिए जो लाइफ है, जैसे पोएट जो है इसको मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइफ में वो कारपेट्स नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है, वो उनको इश्यूज यानी कि जो है वो सहूलियात लाइफ में उनके पास मौजूद नहीं है। आई होप कि ये पहला जो स्टेंजा या पहला जो पार्ट है पोएम का आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मदर का
क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ के हवाले से। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मदर टू सन के अंदर अब माँ अपना ही कॉन्ट्रीब्यूशन बताने जा रही है कि हाउ शी फेस द लाइफ, उसने क्या स्ट्रगल की। बट ऑल द टाइम हमेशा As been climbing on. As ये basically old तरीके से इसको लिखा गया है, इसका मतलब है I have been a climbing on. Climbing on means कि मैं उन सीढ़ियों को चढ़ती चली जा रही हूँ। यहाँ पे G missing है, original text है, मैंने उसमें changings नहीं की। लेकिन I have been climbing on, मैं उन सीढ़ियों पे यानी life में आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। फिर क्या है, And reaching landings. Landings क्या क्या मतलब है, लैंडिंग्स का मतलब ये होता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कुछ प्लेन आपके पास एरिया आता है जहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है, थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, वो भी मैंने फेस किया। उसके बाद एंटरनिंग कॉर्नर्स, और कभी कभी मुझे लाइफ के अंदर बहुत सख्त किस्म के शार्प टर्न्स लेने पड़े, मीन्स के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, बच्चे डार्क सिंबलाइज कर रहे हैं किसको, डार्क सिंबलाइज कर रहे हैं होपलेसनेस को, कि कभी कभी लाइफ में मुझे ना उम्मीद भी होना पड़ा जहाँ पे कोई लाइट नहीं थी। वेयर देयर एंड एंड मीन हैज नॉट बीन नो लाइट, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, डार्कनेस थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, मैं रुकी नहीं, आई कीप ऑन स्ट्रगलिंग, आई कीप ऑन मूविंग एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी, और उसको उसने रोका नहीं। जब तक लाइफ है, जब तक जिंदगी है, लाइफ का सर्किट, लाइफ का जो है वो सफर उसने ख़त्म नहीं किया। ये दूसरा पार्ट हमने पोएम का कवर कर लिया। अब तीसरा पार्ट, वो माँ जो है अपने बेटे को एडवाइस कर रही है, वो देखते हैं उसमें क्या है। सो बॉय, बॉय मीन्स वो अपनी माँ अपने बच्चे को बोल रही है, डोंट यू टर्न बैक, अब वापस नहीं जाना तुमने, अब अपनी जो स्ट्रगल आपने करना शुरू की है, जो आप काम कर रहे हो उससे आपने वापस नहीं पलटना, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, और चुप करके किसी स्टेप के ऊपर बैठना नहीं है। कज, कज मीन्स बिकॉज यू फाइंड इट्स हार्डर, इट्स काइंडर हार्डर, कि आगे बढ़ना मुश्किल है, मैं यहीं पे रुक जाऊं, ऐसे रुकना नहीं है। आपने जो मकसद लिया है, आपने जो मिशन दिया है, उसको लेके चलना है अपनी लाइफ में आगे। डोंट यू फॉल नाउ, कहीं ऐसा ना हो कि अब आप यहाँ से वापस गिर पड़ो, ऐसा नहीं करना। फॉर, अब ये जो फॉर का वर्ड यूज हुआ है वो बिकॉज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आई स्टिल गोइंग हनी, यानी आई एम Still going honey, कि बच्चे से माँ कह रही है अभी तक मैं नहीं रुकी, तो तुमने भी अपनी लाइफ में नहीं रुकना, आगे चलते जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं I see means I am still climbing, मैं अभी तक अपनी जिंदगी का सफर तय करती चली जा रही हूँ। And life for me ain't means has not been no crystal stairs. जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया इस पोएम का, प्रस्पेक्टिव बताया कि अफ्रीको अमेरिकन के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो लैंगस्टन ह्यूज जो इस पोएम के जो पोएट हैं, उन्होंने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में ना सिर्फ ये बच्चों के लिए उस वक्त के जो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे थे, बल्कि उन लोगों के लिए जो यानी कि अफ्रीको अमेरिकन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको भी मोटिवेट किया है फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ मदर, कि आपने अपनी लाइफ में हार नहीं माननी, आपने पीछे नहीं हटना, आपने स्ट्रगल करते जाना है जब तक आप अपने मकसद को अचीव नहीं कर लेते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है पोएम बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, इस पोएम की जो पैराफ्रेज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उसको कॉपी कर सकते हो, वहां से उसको रीड करना चाहो तो उस डिस्क्रिप्शन को आप रीड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और बाकी फ्रेंड सर्कल्स में, अपने सोशल सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।